आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BLLB के GK प्रीवियस पेपर के बारे में और रिपीटेड क्वेश्चन के भी बारे में बात करेंगे। GK जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में ही बात करेंगे और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो हमारे पास टाइम बचा है 1 वीक का या 8 डेज का जो टाइम बचा, 8 या 9 डेज का जो टाइम बचा हुआ है, उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे हमारा 10 या 20 नंबर जो है गेन हो सके। ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्पोर्ट हो गया, अवार्ड हो गया, ठीक है, कल्चर से आ गया, ठीक है, नित्य दान से भी आता है क्वेश्चन। तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि BLLB में ऐसा क्या हम लोग 10 दिनों में करें जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हम कर सके, मतलब सुनिश्चित हो जाए कि हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। द स्टीम लोकोमोटिव रॉकेट्स विच बिकम्स प्रोटोटाइप्स फॉर स्टीम रेल इंजन वाज डेवलप्ड। तो आपको ये बताना है, इसमें से सीधा सीधी बात यह है कि स्टीम लोकोमोटिव जो रॉकेट्स है जिसने विकसित किया है उसी का नाम आपको बताना है। विकसित किया गया था किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, रॉबर्ट स्टीफंस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, 52 क्वेश्चन पे। हु सपोर्टेड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब कि वो कौन आदमी है जिसने पार्टी को कम सपोर्ट किया, लोकतंत्र को ज़्यादा समर्थन दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 53 क्वेश्चन पे, वो है ब्राटलेड आयोग किससे संबंधित है, मतलब कि ब्राटलेड कमीशन इज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है आपको ये बताना है, तो डेवलपमेंट से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 क्वेश्चन पे, अपने किस पे 54 क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज पावर टू प्रोक्लेम स्टेट एमरजेंसी, मतलब कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसके पास जो है राज्य आपातकालीन की घोषणा करने की शक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो होती है। ठीक है, किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब आपके सामने चलते हैं 55 क्वेश्चन पे, हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाई सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए कि परिवर्तन के लिए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में द्वारा किसी भी रिट जारी की जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपसे रिट पूछा है, रिट कितने होते हैं, तो जो आपके पास ये है कि आपसे ये पूछा है कि रिट कितनी होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है रिट्स वो कितनी होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो कितनी रिट होती है? 5 रिट्स होती है। ठीक है, 5 रिट्स होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 57 क्वेश्चन पे, तो हम लोग 57 क्वेश्चन पर सुगत हैं। तो अंडर आर्टिकल 304 हुज प्रीवियस सेनेक्शंस इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन सर्टेन मैटर इम्यूजेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 304 के तहत राज्य सूची के उल्लेखित कुछ मामलों पर राज्य विधानमंडल में बिल पेश करने के लिए जिसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो आप, मैं हिंदी में भी बताता चला जा रहा हूँ और इंग्लिश में तो आप समझ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उसमें। स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज ड्राइव फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ विच पोलिटिकल फिलोसफर, मतलब आपको ये बताना है कि फ्रांसिसिस जो क्रांति का नारा स्वतंत्र समानता और बंधुता, मतलब कि लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो नारा था किस राजनीतिक दार्शनिक ने, मतलब किस पोलिटिकल फिलोसफर ने दिया था? ठीक है, ये आपको बताना है, उनका नाम बताना है सीधा सीधी आपको। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, रूसो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 क्वेश्चन पे अपने। विच साउथ इंडिया स्टेट हैज द हाइएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज ऑफ इट्स टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, क्या है?
पोटेंशियल, विच क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, विच साउथ इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। आपको ये बताना है कि जो दक्षिण इंडिया में साउथ इंडिया स्टेट में ठीक कुल जो ग्राउंड वाटर है, कुल ग्राउंड वाटर का उच्चतम मतलब हाईएस्ट जो है वो जो है ग्राउंड वाटर को पोटेंशियल करते हैं, तो कैसे उपयोग करते हैं। मतलब ये बताना है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में अपनी कुल ग्राउंड वाटर की पोटेंशियल की हाईएस्ट जो है क्षमता को ग्राउंड वाटर के यूटिलाइजेशन में कैसे उपयोग करते हैं, तो तमिलनाडु जो है इसका आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन वायरस, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस मौजूद नहीं है, आपको ये सीधा सीधी बताना है। ऑप्शन नंबर 16 है, मतलब ऑप्शन नंबर 60 का जो है वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन 61, अमोंग द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स विच वन इज ऑफ द ऑर्गेनिक ओरिजिन। ठीक है, क्या बताना है आपको, निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों में से कौन सा कार्बनिक मूल का है, तो आपको इनमें से बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में से इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिक ओरिजिन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 61 का जो है वो बी है, लाइमस्टोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया इन विथ द स्टेट ऑफ, ठीक है, तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, गुजरात। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945 आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ करैक्टर एक्ट। ठीक है, आपको ये बताना है, तो 63 का जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, सेंस फ्रांसिसको। ठीक है, उसके बाद 64वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। द रेट एट विच आरबीआई गिव्स फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक इज नोन एज, तो आपको ये बताना है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंकों को, मतलब कि जो है कमर्शियल बैंकों को, वाणिज्य बैंकों को जो है जो रेट देती है वो क्या, मतलब क्या है वो कैसे, तो वो मतलब आपको ये बताना है। ठीक है, तो 64 का जो है बी बहुत बिल्कुल सही है, बैंक रेट के हिसाब से जो है वाणिज्य मतलब कमर्शियल बैंकों को दिया जाता है आरबीआई रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 65वें क्वेश्चन पे, 65 क्वेश्चन पे। द अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान ए पार्लियामेंट इज कॉल्ड, मतलब कि पाकिस्तान में अपर हाउस को क्या कहा जाता है, आपके सामने है, तो आपके सामने ए जो ऑप्शन ए है सेनेट जो है, ऑप्शन ए अपर हाउस को पाकिस्तान में सेनेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 66वें क्वेश्चन पे, 66 क्वेश्चन पे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड एट फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो क्या आपको बताना है, इनमें से कौन जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इनमें से कौन जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन 66 का ऑप्शन जो है बी डी जो है जहांगीरी महल, जहांगीरी महल जो है वो कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में उपस्थित है। अब आगे देते हैं क्वेश्चन 67 का। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड, मतलब कि इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड, मतलब कि वो कौन सा सेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा गया था। तो 67 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपको ये बताना है, तो लाहौर सेशन में रखा गया था, लाहौर सेशन में 1929 को। ठीक है, दिया है कि द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाज अनविलेड बाय, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 68वां का 68 का होगा वो क्या होगा, सी रसिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन पे। विच वन अमोंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, सिचुएटेड इन राजस्थान, मतलब विच वन अमोंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। ठीक है, तो हड़प्पा साइट वो कौन सा है जो राजस्थान में है, आपको ये बताना है। तो 69 का जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल जो होगा
ए होगा वो बिल्कुल सही होगा, कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप तो अगर अगर ये आपको क्वेश्चन सही लगा हो कृपया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।